हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो भी स्टूडेंट्स आप लोग इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं जब प्राइवेट कैंडिडेट कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट फेलियर या एडिशनल्स के लिए, तो आप लोग के प्रैक्टिकल एग्जाम्स को लेके कुछ नोटिफिकेशंस आए हुए हैं उसके बारे में डिटेल में जा रहे हैं। बहुत ही कंफ्यूजिंग नोटिफिकेशंस है और जैसे हमेशा के तरीके होता है कुछ भी क्लियर नहीं रहता, वैसा ही कुछ है इस बार भी। तो आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स की क्वेरीज थे, जैसे यहाँ पे हम एक नोटिफिकेशन 26 को रिलीज हुआ था रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए, मतलब ये स्कूल्स में जो प्रैक्टिकल्स के लिए डेट अनाउंस हुआ है उसमें उसमें एक जगह पे लिख दिया है कि स्कूल जो है कुछ इस तरीके से अपने प्रैक्टिकल्स को कराएगा कैटेगरी वाइज रेगुलर कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट के तौर पे, और जो स्टूडेंट्स फेल्ड है उनके बारे में कुछ यहाँ बताया नहीं गया। ये काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज हो गया। तो आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स आप जानते हो कि CBSE के पोर्टल्स दो हैं, मतलब आप CBSE प्राइवेट हैं तो CBSE प्राइवेट के लिए जो पोर्टल होते हैं वो ये रहता है व्यक्तिगत परीक्षार्थी का, मतलब CBSE प्राइवेट की तरफ पे। इस पर जब आप क्लिक करके जाओगे तो इसमें कुछ भी नहीं मिलता है, मतलब आप केवल CBSE प्राइवेट का फॉर्म फिल कर सकते हो, आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो, बाकी सारी चीज़ें यहाँ रहता है, ठीक है। और CBSE के मेन वेबसाइट्स पे ही कुछ डिटेल्स आते हैं यहाँ से भी यहाँ पे, मतलब कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि अगर CBSE प्राइवेट में लाखों स्टूडेंट्स देते हैं कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट या फेलियर का फॉर्म तो कुछ अलग से उनके लिए नोटिफिकेशन आ जाए, जो उसकी थोड़ा सा उनके लिए एक रिलीविंग हो कि भाई हमारा तो है कुछ चीज़ें आ रहा है, जो भी चीज़ें हमारे लिए आएगा वो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। बट ऐसा होता नहीं है, मतलब अभी हम लोग क्या ही सिखाएंगे किसी को। बट ऐसा हुआ था लास्ट ईयर में, हम लोगों ने CBSE प्राइवेट के प्रैक्टिकल्स को लेकर काफ़ी डिटेल्स दिए थे, बट इशू हुआ था, मतलब उस समय पे प्रैक्टिकल एग्जाम्स करा लिए गए थे। इस बार का भी कुछ क्लियर नहीं है, मैं डिटेल्स में बात करूंगा आगे। आप लोग के एडमिट कार्ड को लेके काफ़ी क्वेरीज आ रहे थे कि कब तक रिलीज होगा, तो वो क्योंकि फरवरी 15 से आपका पेपर से स्टार्ट है तो फरवरी की फर्स्ट वीक तक आ जाएगा या जनवरी के लास्ट वीक में, ऐसे एडमिट कार्ड आ गया था लास्ट ईयर में तो इस बार भी आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके के ये लास्ट ईयर का जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस तरीके का एक वेब पेज बनता है एंड देन वहाँ पर आप जो है चेकआउट कर पाते हो। चेकआउट करने के लिए ऑप्शन मिलते हैं आपको, या तो आप अपने एप्लीकेशन नंबर से देख सकते हो, जैसे काफ़ी स्टूडेंट्स आप में से थे हैं जिनको लगता था मेरा एप्लीकेशन नंबर ही खो गया है तो मैं कैसे देख पाऊंगा अपना एडमिट कार्ड, तो एडमिट कार्ड देखने के लिए दूसरे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। आप प्रीवियस ईयर के रोल नंबर से भी चेक कर सकते हैं या अपने नाम और मम्मी पापा के नाम से भी चेक कर सकते हैं, उस समय पर भी आपका जो एडमिट कार्ड रहता है वो डाउनलोड हो जाता है, तो इतना परेशान नहीं होना है कि हमारा जो है एप्लीकेशन नंबर नहीं आया या मेरा कन्फर्मेशन पेज डिलीट हो चुका है या आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है। एप्लीकेशन नंबर नहीं रहेगा तब भी एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा, बट अगर इन केस अगर आपको मेल आता है CBSE की तरफ से कि मुझे कंफर्मेशन पेज भेजें कि आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया, उस केस में थोड़ा सा इशू हो सकता है, बट ये सबको नहीं आता है। उस केस में केवल अभी जो आया था पुणे रीजनल ऑफिस के लिए कुछ स्टूडेंट्स के लिए आया था जो डाटा वेरीफाई करना था, बाकी आप लोग को परेशान नहीं होना इस केस में लेके, ठीक है। अब आपको एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है और फरवरी बहुत ही नज़दीक है तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है, उस चीज़ का आपको ध्यान रख के एग्जाम्स के लिए जाइए, ठीक है। एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए हम आपको सजेस्ट करते हैं एजुका जोन की तरफ से जो सैम्पल पेपर्स आते हैं उसको, ये स्पॉन्सर्ड है बट यहाँ पे जो है सारा चीज़ें बहुत ही अच्छे से मैंशनड है, और मैं ऑलरेडी आप लोगों को काफ़ी रिकमेंड किया कि एजुका जोन की तरफ से जो सैम्पल पेपर्स आ रहे हैं उसमें हर एक चीज़ें मैंशनड है, जैसे आपका सिलेबस से लेके किस तरीके के पेपर्स में क्वेश्चंस आते हैं, आपका जो है होता है ना कि हमारा मार्किंग स्कीम्स किस तरीके से रहेगा, मतलब एक क्वेश्चंस को किस तरीके से अटेम्प्ट करें कि पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाए, वो चीज़ें इसमें बहुत ही अच्छे से मैंशनड है। इसमें आपको 10 सैम्पल क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, उसके बाद से CBSE बोर्ड एग्जाम जो हुआ था 2023 का उसका फुल्ली सॉल्व पेपर्स मिल जाएगा, साथ साथ आपको सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2024 में जो हुए रिलीज हुए उसके सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे, और किस तरीके से इस बार पेपर आने वाला है उसके बेसिस पे ये सैम्पल पेपर्स रहेगा जिसमें से 5 सॉल्व रहेगा जो कि आप प्रैक्टिस कर सकते हो देख के विद द सॉल्यूशंस, एंड 5 अनसॉल्व रहेगा जो आप प्रैक्टिस करोगे एंड आप अपने मैच करते रहोगे मार्किंग स्कीम से कि कितना आप अच्छा कर पा रहे हो, ठीक है। वो इस तरीके से रहता है कि आप बोर्ड के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो पाओ, क्योंकि आप प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं, रेगुलर नहीं होते, कोई आपको गाइड करने के लिए नहीं है, तो सैम्पल पेपर्स आपके लिए ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करना ही बेटर चॉइस होता है, जिससे कि आप एक्चुअल में एग्जाम्स में क्या पैटर्न फॉलो होना है वो सारा चीज़ें मिल जाता है। तो इसमें आपको ब्रेन स्ट्रॉन्ग मैप्स वगैरह, क्विक रिविजन्स के लिए नोट्स वगैरह सारा चीज़ें अवेलेबल है, ठीक है। तो ये फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, आप फ्लिपकार्ट पे जाके चेक कर सकते हैं, सारे सब्जेक्ट्स के लिए अवेलेबल है, ये बायोलॉजी हो गया तो ये केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और फिजिक्स के लिए सभी सब्जेक्ट्स के लिए होगा, इंग्लिश के लिए भी मिल जाएगा आपको। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे नोट करा दूँ, जैसे इस बार का एग्जाम्स का कितने नंबर का पेपर होगा वो सारा चीज़ें यहाँ पे मैप्ड रहेगा, ठीक है। तो आपको ये सोचना ही नहीं पड़ेगा किस तरीके का क्वेश्चन आएगा कि क्या करना है, ठीक है। अब बाकी टॉपिक्स पे वापस आते हैं जो CBSE ने रिलीज किया था। आप लोग ने जब CBSE प्राइवेट का फॉर्म फिल किया था कंपार्टमेंट के लिए किया हो या इम्प्रूवमेंट के लिए या आप एसेंशियल रिपीट के लिए किए होंगे, तो उस समय पे आप लोग को बताया गया था कि
कि जो प्रैक्टिकल्स या इंटरनल एग्जाम्स के स्कोर है वो या तो कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे, यहाँ पे आपको साफ साफ मेंशन है, या तो वो कैरी फॉरवर्ड होंगे या प्रो राटा बेसिस में मिलेंगे या मार्क प्रैक्टिकल एग्जाम्स कंडक्ट हो जाएंगे वापस से। अब जब प्रैक्टिकल एग्जाम्स कंडक्ट होंगे या प्रो राटा मिलेंगे या कैरी फॉरवर्ड होंगे, इसके बारे में कन्फ्यूजन्स क्यों किया जाता है? मतलब आप साफ साफ बता दीजिए, जो भी आपका बायलॉज है उसके बेसिस पे बता दीजिए। लास्ट ईयर ऐसा ही हुआ था कि इन्होंने कहा कि सीबीएसई का प्रैक्टिकल एग्जाम्स नहीं होगा, क्योंकि होता ही नहीं है कभी से, आपका प्रो राटा बेसिस पे मिल जाता है, या होता भी है तो एग्जाम्स के टाइम पे करा दिया जाता है, ठीक है। बट इस बार जो है थोड़ा सा कन्फ्यूजन्स क्रिएट कर दिया गया कि आपका जो है या तो कैरी फॉरवर्ड हो या प्रो राटा बेसिस पे मिलेगा या आपका कंडक्ट किया जा सकता है। एंड जब नोटिफिकेशन आया उसमें भी कोई डिटेल्स नहीं दिया गया, जैसे प्रैक्टिकल्स के एक नोटिफिकेशन ये आया था यहाँ पे, ठीक है। इस सर्कुलर में साफ साफ मेंशन है, द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट एलओसी जो सबमिट होता है बोर्ड को, हु विल बी अपियरिंग फॉर द प्रैक्टिकल एग्जाम, जो भी प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए अपियर कर रहे हैं फ्रॉम द स्कूल, वो चेक करें ऑनलाइन सिस्टम्स में कि इस तरीके से किस तरीके के सब्जेक्ट्स हैं, मतलब सब्जेक्ट वाइज एंड स्टूडेंट कैटेगरी वाइज, जैसे रेगुलर स्टूडेंट है तो रेगुलर के प्रैक्टिकल्स एंड उसके मार्क्स वगैरह आपको अपलोड करने पड़ते हैं ऑनलाइन, मतलब स्कूल्स अपलोड करते हैं वो रीजनल ऑफिस में जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब इन्होंने कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट मेंशन कर दिया वो ज़्यादा कन्फ्यूजन है, क्योंकि स्कूल तो इसमें लेना देना होता नहीं है स्कूल का। तो अगर कंपार्टमेंट वालों का या इम्प्रूवमेंट वालों का प्रैक्टिकल एग्जाम्स होना है किसी भी वजह से, तो उसके लिए कोई सर्कुलर डिटेल में तो होना चाहिए ना। तो ये आप लोग बार बार, मतलब सीबीएसई को मैं कह रहा हूँ कि ये बार बार मेंशन क्यों कर देते हैं कि हम लोग जो है प्रैक्टिकल एग्जाम्स कंडक्ट कराएंगे या कंपार्टमेंट या इम्प्रूवमेंट, या तो आप केवल नोटिफिकेशन एक रेगुलर का अलग से रिलीज करो जो स्कूल की तरफ से बैठ रहे एग्जाम्स में, और जो सीबीएसई प्राइवेट के तौर पे अपना एप्लीकेशन खुद अप्लाई किए उनके लिए एक अलग नोटिफिकेशन के लिए बोर्ड बना दीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, बच्चे हमसे पूछते हैं एंड हम क्या रिप्लाई करें। लास्ट ईयर भी हमने बताया, आपको बताया था हमने बच्चों को प्रैक्टिकल नहीं होगा, और अचानक से नोटिफिकेशन आएगा आ रहा है कि प्रैक्टिकल एग्जाम्स आपको होगा, तो उस समय बच्चे और पैनिक हो जाते हैं, ठीक है। तो अभी आप लोग को कुछ परेशान नहीं हो रहा है, बस एक छोटा सा अपडेट था जो मैं आपको बताना चाहता था। बाकी आप लोग अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, जो मैंने सैंपल पेपर रिकमेंड किया वो आपके लिए बेटर रहेगा, तो एक बार आप चेकआउट कर लीजिए। होप इन डेट आपको ये वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू सो मच।